So, friends, let's get started with our new topic, disaster management. Now, as we all know, human life itself is no less a disaster in the modern era, as we may call it, because we are being surrounded by so many disasters happening on a pretty regular basis around us, the world over, not just in India, that we have to learn it as a sacred subject. And that's why there are so many types of disasters in your and my life with which we have to grapple and ultimately adjust ourselves to. There are floods, which normally are happenings in India, as we all are witness to. Then there are volcanic eruptions. There are fires and droughts. And very recently, we have had a very disastrous earthquake in Turkey and Syria. Hundreds and thousands of lives have been already lost. Precious lives have been lost. And that is where disasters are dangerous for mankind. Nevertheless, mankind has to learn to deal with disasters because, as the old adage suggests, that disasters cannot be avoided, they can only be managed. And hence the subject, disaster management. Now, what is a disaster? As per the visuals on your screen, it is a sudden undesirable event. हम देखते हैं कि आपदाएं जो है वो आपदाएं एकदम से आ जाती है, वो बिना न्योते के आ जाती है। कभी कोई आपदा न्योता देके नहीं आती। और ये इतने कम समय में इतनी कुछ चीजें हो जाती है जो बिल्कुल अनएंटिसिपेटेड अनएक्सपेक्टेड होती है हमारे लिए, इसलिए हम उससे डील करते हुए फंबल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तो बहुत कम समय में हम अपना सर्वस्व खो चुके होते हैं। इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पे ये आपदा आ चुकी होती है कि कॉमन मैन की लाइफ, उसकी सरकारों की जिंदगी और उसकी सोशल सेफ्टी नेट्स, हर चीज डिस्टर्ब हो चुकी होती है, हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। एंड दैट्स व्हाई डिजास्टर्स हैव बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मैनकाइंड, दे आर स्टिल अ कॉज ऑफ कंसर्न, एंड स्पेशली विद द इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जियो क्लाइमेटिक इम्ब्रोग्लियो, मैनकाइंड इज वरीड विद डिजास्टर्स मोर देन द नॉर्मल टाइम्स। और हमें इसीलिए आजकल इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा पता होना जरूरी है। और आपकी जो पोस्ट है उसके लिए तो वो खैर काफी इंपॉर्टेंट माना भी जाता है, क्योंकि कई सारे डिजास्टर्स तो मैन मेड भी होते हैं। नॉट ऑल डिजास्टर्स आर लाइक नेचुरल डिजास्टर्स ओनली, देर आर मैन मेड डिजास्टर्स ऑल्सो। सो लेट्स ट्राई टू टेक अ लुक एट देम। वॉट इज अ डिजास्टर? एज पर द विजुअल्स ऑन योर स्क्रीन, कहीं पे फ्लडिंग हो रहा है तो कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है, जमीन में दरारें आ जाती है, कहीं पे डेडली वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं तो कहीं पे बड़ी बड़ी, जिसको कहते हैं, आग लग रही है, या वोल्केनोज की वजह से आग लग रही है, या फिर रास्ते लैंडस्लाइड्स, कई सारी चीजें हो रही है, सैंड स्टॉर्म्स, कई सारी चीजें डिजास्टर्स में आ सकती है। नाउ व्हाट टू बी कॉल्ड एज अ डिजास्टर कॉमनली? अ डिजास्टर इज अ सडन एंड अनडिजायरेबल इवेंट दैट कैन बी कॉज्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन मेड फैक्टर्स, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू नॉर्मल लाइफ एंड कॉजिंग सीवियर डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ। डिजास्टर एक सडन इवेंट होता है, बिल्कुल समय नहीं मिलता हमें उसके बारे में सोचने के लिए, एकदम से फटाक से आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। कभी कभी तो रात के अंधेरे में आपकी जिंदगी खा जाता है, पता नहीं चलता। अभी जो टर्की में हुआ है और सीरिया में हुआ है वो कुछ वैसे ही हुआ है। और ये एक अनडिजायरेबल इवेंट होता है। अनडिजायरेबल का मतलब होता है जो अनचाही चीज है। हम डिजास्टर्स को कभी अपने लिए चाहेंगे नहीं, इनफैक्ट हम हरदम यही बोलेंगे कि हमें डिजास्टर्स से बचाए रखना भगवान, या डिजास्टर्स से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करना। और इसलिए ये अनडिजायरेबल सडन इवेंट्स होते हैं। ये या तो नेचुरल कॉजेस की वजह से हो सकते हैं, नैसर्गिक विपदाएं जिसको हम बोलते हैं, या तो फिर ये मैनमेड एक्टिविटीज है, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं।
resulting in significant disruption to normal life. It may be because of natural causes or because of human factors, but it certainly results into significant disruption to normal life. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी हद तक disruptions आ जाते हैं, वो destroy होने लगती है, वो बेहाल हो जाती है, and it may cause severe damage to property and loss of life. लोगों के जान माल का भारी पैमाने पे नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ सकता है. इसको हम लोग डिजास्टर कहते हैं. सच अकरेंसेस ऑफन एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ अवेलेबल सोशल एंड इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स एंड कैन बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर और कंट्रोल. एज आई सेड इन माई ओपनिंग रिमार्क्स दैट डिजास्टर्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, दे कैन ओनली बी मैनेज्ड. Because no disaster can tell you about the intensity or the gravity with which it is going to strike you. कोई भी आपदा आपको वो कितने बड़े पैमाने पे होने वाली है ये बता के नहीं आती. और इसीलिए कोई भी सरकार, दुनिया का बड़ा से बड़ा जनतंत्र या दुनिया का बड़ा से बड़ा अमीर देश भी डिजास्टर्स के बारे में कोई इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकता. वो एक सरप्राइज की तरह आते हैं और सरप्राइज ही आपको छोड़ के जाते हैं. और इसलिए ऐसे जो अकरेंसेस होते हैं इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि जो भी अवेलेबल सोशो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स आपने बना रखी है ना. व्हाट इज अ सेफ्टी नेट? सेफ्टी नेट वो होती है जो हमारी सरकारें हमें ऐसे कठिन समय के दौरान वल्नरेबिलिटी से बचाने की सोशो इकोनॉमिक कोशिशें होती है. जैसे इसमें फाइनेंशियल सब्सिडाइजेशन होगा, या फिर हेल्थ इंश्योरेंसेस होंगे, या फिर आपके लिए कोई डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का जो प्लान बनाए जिसमें आपका अल्टरनेटिव अकोमोडेशन रखा होगा, लोगों को खतरे की जगह से निकाल के सेफ प्लेसेस पे ले जाने का मोबिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. इन सारी चीज़ों को हम लोग सेफ्टी नेट्स बोलते हैं, जिससे कि हम लोग डिजास्टर सेफ बाहर निकल पाए, उससे हमारा कम से कम नुकसान हो इसकी कोशिशें कर पाए. इसको हम सेफ्टी नेट्स बोलते हैं. बिकॉज सच अकरेंसेस आर सडन एंड अनडिजायरेबल, यू कैन नेवर जज अबाउट देयर ग्रेविटी एंड इंटेंसिटी, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ डिसरप्शन व्हिच मे बी कॉज आउट ऑफ दैट. सो इवन इफ यू कैन प्रिपेयर टू सम एक्सटेंट अबाउट द अकरेंसेस ऑफ सच काइंड ऑफ डिजास्टर्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर एनी गवर्नमेंट व्हाटसोएवर इन द वर्ल्ड to completely be prepared for such kind of disasters. And hence, no matter how bigger the socio-economic safety nets installed by the governments are, they may still be felt inadequate to deal with the problem of human, I would say, turbulence. Aur isliye aise occurrences se bachna bada mushkil kaam hota hai. Then disasters can strike with little or no warning, requiring major emergency response efforts to mitigate their impacts. जैसे अभी हमने कहा कि वो एकदम से आ जाते हैं, बिल्कुल कोई वार्निंग नहीं मिलती. हालांकि कुछ हद तक हम आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं कि भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा दिए सुनामीज के लिए, या कुछ हद तक हम लोग सी स्टॉर्म्स के लिए, या वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, जो भूचाल आते हैं समंदर में, we can call them as blitzkrieg, or for that matter cyclones, etc., etc. ye aajkal hum log uske liye kuch had tak early warning systems banaye to hai, lekin as I said earlier, no early warning system can be a foolproof system so that you can say that this is a 100% guard against the disaster. ye ho nahi sakta. aur isiliye ye jo safety nets hai, chahe kitni bhi bana lo, wo disaster hai aapko bilkul भी वार्निंग बिना दिए आएगा, बिल्कुल कभी वार्निंग नहीं मिलेगी, लिटिल वार्निंग भी नहीं मिलेगी, और ऐसे समय में कितने बड़े पैमाने पे वो आएगा हमें पता नहीं होगा. तो इसलिए इमरजेंसी रिस्पांस एफर्ट हमें करने पड़ेंगे, मेजर मेजर इमरजेंसी रिस्पांस एफर्ट्स. आपने देखा होगा मिशन दोस्ती के तहत भारत सरकार ने भी बड़े पैमाने पर मदद टर्की और सीरिया के लिए भेज दी, और हमारी जो NDMA की टीम्स हैं, हमारी आर्मी की टीम से, नेवी की टीम से, एयरफोर्स की टीम से वो रश थ्रू की गई. और इसीलिए टर्की और सीरिया के लोग भारत के शुक्रगुजार भी हैं
क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर डिजास्टर रिलीफ को वहां पे पहुंचाया है। क्योंकि ऐसे समय में जब दुनिया के किसी भी देश में ऐसी मानवीय त्रासदी हो जाती है तो कोई देश अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव करने से नहीं बच पाता, जल्दी से जल्दी एक दूसरे की मदद के लिए पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वन कैन नेवर नो अबाउट द डिग्री ऑफ डैमेज एंड द कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद दैट डैमेज, एंड हेंस वन हैज टू बी फुली प्रिपेयर्ड टू गो फॉर अ मेजर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एफर्ट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। उसके जितने भी इम्पैक्ट है उसको हमें कम से कम रखने की कोशिशें पुरजोर करनी पड़ती है। लेट्स मूव ऑन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स कैन बी इन द फॉलोइंग वे। डिजास्टर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, आइदर नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स, एंड बेस्ड ऑन देयर सिवियरिटी एज मेजर एंड माइनर डिजास्टर्स। यही ग्राफिकल फॉर्मेट में आपके सामने रखा गया है। उनके ओरिजिन के ऊपर से उनको या तो नैसर्गिक आपदाएं बोला जाता है या तो आर्टिफिशियल मैनमेड मनुष्य जाति द्वारा निर्मित आपदाएं मानी जाती है। और उनकी अगर ग्रेविटी या सिवियरिटी की बात की जाए तो कितनी बड़ी वो आपदा है उसके ऊपर देखा जाए तो कुछ आपदाएं माइनर होती है, छोटी छोटी होती है, और कुछ बड़ी मेजर होती है। अभी जो टर्की सीरिया की है उसको हम मेजर डिजास्टर कह सकेंगे क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसरप्शन हैपेंड, और अभी उनको वहां से निकलने के लिए आसान रास्ता नहीं है, उनको बड़ा डिफिकल्ट रास्ता फेस करना पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी काफी सालों पीछे चली गई है, अभी वापस से रिक्यूपरेट करना उनके लिए मुश्किल होगा, दुनिया की मदद के बिना वो संभव नहीं होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन में अगर जाए तो हम ओरिजिन की अगर हिसाब करें तो नेचुरल डिजास्टर्स और मैनमेड डिजास्टर्स का ओरिजिन आपके सामने दिख रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स में आपको दिखेगा जियोफिजिकल फिनोमिना है, हाइड्रोलॉजिकल फिनोमिना है, मेट्रियोलॉजिकल फिनोमिना है, एंड क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना की वजह से होने वाली नेचुरल डिजास्टर्स है। और अगर आप मैनमेड डिजास्टर्स की बात करो तो उसमें हजार्डस मटीरियल स्पिल्स, जैसे ऑयल स्पिल्स होते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि समंदर में बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हो गया, या फिर किसी क्रीक में या खाड़ी में ऑयल स्पिल हो गया, ये एक हजार्डस मटीरियल स्पिल का एग्जाम्पल है। देन ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, बड़े पैमाने पर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर दो विमान टकरा जाते हैं, हवाई जहाज टकरा जाते हैं एक दूसरे से, या फिर जो दो शिप्स टकरा जाती है ना, ये भी बड़े बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स। देन स्ट्रक्चर फेलियर्स, हम देखते हैं कि कई बार जैसे हमारे स्टेट्स में उत्तराखंड हिमालयन स्टेट्स में आपकी लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो उसके ऊपर अगर फॉल्टी स्ट्रक्चर्स बने तो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाते हैं। देन माइनिंग एक्सीडेंट्स होते हैं, चाइना में कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, इंडिया में भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हम देखते हैं इफ द प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड। एक्सप्लोजन्स होते हैं, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को भी हम एक डिजास्टर ही बोलेंगे क्योंकि देन इट बिकम्स अनपोर्टेबल फॉर यूज। देन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को हम नेचुरल डिजास्टर नहीं बोल सकते, एक मैनमेड डिजास्टर है, और इससे भी काफी बड़े मात्रा में डिसरप्शन आता है। देन नेचुरल डिजास्टर्स आर अब्रप्ट डिसरप्शंस और थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट दैट सरपास द कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी एंड नेसेसिटेट आउटसाइड सपोर्ट। एज आई सेड जस्ट अ शॉर्ट व्हाइल अगो, व्हाट हैज हैपेंड इन टर्की एंड सीरिया टुडे इज नथिंग बट अ नेचुरल डिजास्टर ऑफ दिस नेचर। इतनी अब्रप्ट डिसरप्शंस हुई है, एनवायरमेंट में इतना बड़ा थ्रेट आया हुआ है कि वो किसी भी एक देश की ऐसा डिजास्टर किसी भी एक देश में आ जाए। आई वंडर कि कल को अगर ऐसा डिजास्टर खुदा न खास्ता कभी इंडिया में आ जाए तो कितने बड़े पैमाने पर डिसरप्शन होगा, और क्या हम भी उसके लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे? आंसर इज नो। कोई देश, कोई कम्युनिटी, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इसके बारे में तैयार नहीं रह सकते, एंड दैट्स व्हाई उसकी कैपेसिटी से वो आउट परफॉर्म हो जाए, और इसीलिए ओवरवेलमिंग उसको सपोर्ट दुनिया से लगेगा। आउटसाइड सपोर्ट के सिवा वो नेसेसरी रिक्यूपरेशन नहीं कर सकते। दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मीटियोरोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स। फ्लड्स को आप हाइड्रोलॉजिकल में ले सकते हो, अर्थक्वेक्स है जियोफिजिकल में ले सकते हो,
then hurricanes, heat waves, droughts and epidemics. ये सारे epidemics is like biological. अगर आप hurricanes की बात करो तो climatological है. Meteorological, कभी कभी meteorite hit हो जाता है, meteorite storms आ जाते हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे पथराव या बड़े बड़े जिसको कहते हैं celestial objects वो गिर जाते हैं और उससे बड़े बड़े विवर बन जाते हैं या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान होता है. तो ये कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं. मैनमेड डिजास्टर्स ऑन द अदर हैंड इंक्लूड हजार्डस मटीरियल स्पिल्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, स्ट्रक्चर फेलियर्स, माइनिंग एक्सीडेंट्स. स्पेशली चाइना में ये कई दफा दिखाई दिया, बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे कोल माइन की एक्सीडेंट होती है. देन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ये इसमें कई सारी और चीजें भी जोड़ी जा सकती है. बड़ी बड़ी फायर्स होती है या फिर आप देखोगे वाइल्ड फायर्स आती है, वो नेचुरल डिजास्टर्स में आप जोड़ सकते हो. ऐसे कहीं आप उसका कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन. नाउ व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस बिहाइंड द अकरेंस ऑफ डिजास्टर्स. क्या क्या प्रोबेबल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिजास्टर्स आपको और मुझे स्ट्राइक करते हैं. फर्स्ट इज disasters can occur due to a variety of reasons including first environmental degradation. पर्यावरण का संरक्षण करने से अगर हम चूक गए, पर्यावरण का समतोल अगर हम ठीक ढंग से नहीं रख पाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है. और हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम पर्यावरण का एक अंग है. हम शायद ये कोशिश करने लग जाते हैं कि पर्यावरण के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें और वही हमें नहीं करना है. सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से भी कई सारे डिजास्टर्स अकर हो सकते हैं. इट मे कॉज सॉइल इरोजन, देयर बाय ब्रिंगिंग हैवॉक फॉर एग्रीकल्चर. इट मे कॉज एक्सपेंशन ऑफ फ्लड प्लेन्स इन रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. देखो एनवायरमेंट का नुकसान हुआ तो रिवर के जो फ्लड प्लेन्स है, जैसे मान लो अगर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ रिवर का बहना है उसमें अगर आपने इंक्रोचमेंट्स कर दी, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर दिए और फिर अगर रिवर ने बड़े पैमाने पे अगर अपना रास्ता बदल दिया तो फ्लड प्लेन्स एक्सपेंड होने लगते हैं और अगर वो हो जाए तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद है, ह्यूमन जान माल का नुकसान होता है. देन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये भी अपने आप में एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण है. इफ यू गो फॉर डिफॉरेस्टेशन as we are going currently, we are continuously expanding our economic activities and human activities based on that, environmental degradation is getting hastened fast and steady. And that is why huge amount of jungle is being cut. और अगर वैसे देखा जाए तो जंगल एक बहुत बड़ा सोर्स होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का और उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होने लगता है. और इसीलिए आजकल हाल फिलहाल में ही भारत सरकार ने एक मॉइस्चर मैप ऑफ इंडिया बनाया है. उस पे भारत के ऐसे रेड जोन्स और पिंक जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि जिसमें ग्राउंड वाटर सीरियस डिप्लीशन हुआ है और वहां पे सीरियस एफर्ट्स करने की जरूरत है, गुंजाइश है, जिससे कि हम ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जल्दी से जल्दी कर पाए. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डेजर्टिफिकेशन इन दोज एरियाज. तो भारत में ये जो डेजर्टिफिकेशन वाले एरियाज है ये बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत बहुत बड़ी चिंता का कारण है. तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ये भी होता है. ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम अ वाटरशेड एरिया. नॉर्मली अगर आपने वाटरशेड एरिया से घने जंगलों को हटाया, जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न घाट्स, दे स्ट्रेच फ्रॉम द पार्ट ऑफ गुजरात अप टिल केरल. वहां पे आपको दिखेगा कि एक वाटरशेड एरिया है वेस्टर्न घाट्स के इस साइड, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, द एरियाज ऑफ मराठवाड़ा एंड सदर्न महाराष्ट्र फॉल इन द वाटरशेड एरिया. और वहां से अगर फॉरेस्ट को आप हटा देते हो, वहां पे नल के बराबर फॉरेस्ट है, तो ऑलरेडी वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ चल पड़े हैं एरिया. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मैनमेड डिजास्टर कॉज्ड ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. आगे चलते हैं. डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की वजह से भी डिजास्टर्स आते हैं.
such as the exploitation of land use. Now, consistent expansion of urbanization, industrialization, cities are expanding, agricultural fields are getting sold and being converted into non-agricultural usages, jungles are being cut for human developmental activities, and huge amount of land resource exploitation is happening. Then rapid urbanization, technological development. Earlier, we used to explore land by human intervention. आजकल हमारे पास वो बड़े बड़े excavators आए हैं, हमारे पास वो बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको जेसीबी मशीन्स आई है, उन बड़े बड़े मशीन्स के क्रशर्स कटर्स के सहारे हम लोग जमीन को बिल्कुल लैंडस्केपिंग में चेंज कर देते हैं। तो उसके वजह से भी जैसे अभी हाल फिलहाल में जोशी मठ में जो हुआ है उत्तराखंड में, वो जोशी मठ का टर्बुलेंस हमें इसी की गवाही देता है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जो रिलेटिवली यंग माउंटेनस रेंज है लोअर हिमालयाज की, उसके साथ आपने छेड़खानी कर दी है और इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ी है और जोशी मठ में जो हुआ है वो दरारें आई है जो हुआ है और बड़े पैमाने पे हजारों लोगों को आपको वहां से हटाना पड़ा है ओवरनाइट। तो ये ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस आर डायरेक्टली टू अ लार्ज एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स। दे कैन ऑल्सो क्रिएट इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस बिकॉज फॉर डेवलपमेंट यू आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेस, सो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस और इसीलिए वो दे मे फर्दर लीड टू फर्दर डिजास्टर्स। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉर्स है, न्यूक्लियर पावर एस्पिरेशंस है एंड फाइट्स फॉर ग्लोबल पावर है, कैन लीड टू अ वाइड रेंज ऑफ डिजास्टर इवेंट्स इंक्लूडिंग हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, द सीरियन सिविल वॉर एंड द ग्रोइंग मिलिटराइजेशन ऑफ ओशियंस एंड आउटर स्पेस। नाउ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर इन अ सेंस, एंड इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर व्हाट द कंट्री इज ट्राइंग टू गैदर is huge amount of military might in all the three organs of the military, army, navy, air force. और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे वो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी कंट्री को एक न्यूक्लियर कंट्री बनना है तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स का टेस्टिंग करने लग जाते हैं। अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स के टेस्टिंग करो तो उससे कई बड़ी मात्रा में नेचर का नुकसान हो जाता है, बड़े बड़े विवर बन जाते हैं, जैसे हमने पोखरण में किया था, जैसे नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है वो हरदम समंदर में करते रहता है। इसकी वजह से आप कई सारा नुकसान एनवायरनमेंट का कर देते हो और उससे भी डिजास्टर्स आ सकते हैं। हिरोशिमा नागासाकी वॉर की वजह से हुए थे, अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यू कैन से दैट बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ की जियोलॉजी अफेक्ट हो रही है, वहाँ का ह्यूमन लाइफ अफेक्ट हो रहा है, दैट इज वाई इट कुड बी इटसेल्फ टर्म्ड as a huge disaster for them, not only for them but for the rest of the world, because the entire world economy has slipped into turbulence because of that. So in sab cheezon ke chalte dekha jaye to hum log political issues ki wajah se bhi troubled hote hain. Then industrialization happens to be one of the reasons. Isme ek aakhri line thi, growing militarization of oceans and outer space. Aajkal aapne suna hoga United States have came out with its फिफ्थ कमांड विच इज द आउटर स्पेस कमांड, मतलब ऐसा कहते हैं कि 21st century का जो नेक्स्ट लेवल का वॉरफेयर होगा वो स्पेस वॉरफेयर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी हमने पूरी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पेस को वॉर फील्ड में बदल देंगे देन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विल बी एंडेंजर्ड एंड वन कैन नॉट इंसुलेट मदर अर्थ फ्रॉम दैट। तो इसीलिए अगर आप ये देखो तो आपको इससे खुद को रोकना पड़ेगा। मिलिटराइजेशन ऑफ ओशियंस अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से ओशियन वेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको पनडुब्बियां, उसमें होने वाला वॉरफेयर, पानी के नीचे का वॉरफेयर, बड़े बड़े बम फोड़ेंगे पानी के नीचे, एक्वेटिक लाइफ खत्म कर दोगे, बड़े बड़े पैमाने पर वहां से मिसाइल दागोगे, so that is going to be disastrous. So political issues are also equally responsible for what is called as several man-made disasters.
Industrialization as a developmental activity can contribute to global warming and increased frequency of extreme weather events, as we all know that India have promised a net zero, that is by 2070. Our Prime Minister have given the world the promise that by 2070, India will become a net zero emission country. That means our carbon emissions will lessened to 0% by 2070. How much of that is happening is to be seen. But ye industrialization ki wajah se bahut bade paimane pe carbon emissions hote hain. Usko hame rokna padega, warna ek apne aap mein disasters jo ho rahe hain samaj mein to ho hi rahe. Ab its impact ki baat karte hain. Disasters have multifarious impacts. There are economic impacts, there are physical psychological impacts, there are environmental impacts, resource, population, demographic impacts. हर तरह से ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट होती है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल सेट अ फोटो. यस, so let's talk about the impact of disasters. It may bring about economic crisis, as is evident from the graphics on your screen. Kisi bhi desh mein aarthik uthal puthal machane ki taakat, aur na sirf desh mein, aajkal to globalization hai, puri duniya ki economy ek dusre ke sath linked hai, to puri duniya ki economy ko barbaad karne ki taakat disasters mein ho sakti hai. Like as we have just seen, war happens to be one of the reasons. We are witnessing how dangerously the war between Russia and Ukraine is hitting the world economy. In fact, the world economy has already slept into a recession, and it's not going to be better days for at least the upcoming 2 years. And it is dependent upon since how long this war is going to be dragged upon. To ye sab cheezon ko agar aap dekho to economic iska impact zarur hota hai, bahut hi heavy impact hota hai. Physical and psychological harm ki baat karo. Disasters can result in physical injuries, death and disabilities, as we are all are witnessing now in Syria and Turkey. As many as more than 60,000, I think, people have lost their lives. Countless number of people have been rendered disabled. Somebody's injuries are so sustained that they are rendered disabled for life. और इसीलिए फिजिकल हार्म होता है बहुत बड़े पैमाने पे, शारीरिक क्षति पहुंचती है, और उससे भी बड़ा होता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सच एज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, बिकॉज़ पीपल हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस. कई सारे तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप, पूरे घर के सारे मेंबर्स को खो दिया. पता चला बच्चा अकेला बचा है, अब पता नहीं उसको कौन पालेगा, कैसे पालेगा, किस तरीके से वो बड़ा होगा. No, nothing about that. So, ये एक psychological trauma होता है, जो बड़ों के ऊपर भी उतना ही ज्यादा impact करता है. जैसे मान लो किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चे खो दिए हो, अपने माँ बाप खो दिए हो, या पता चला कोई परिवार का सिर्फ वो अकेला सदस्य बचा हो. That's a huge amount of psychological trauma that they have to pass through. Merely the demolition के जो जितने भी act हम देखते हैं, जैसे बड़े पैमाने पे जब earthquakes आते हैं तो बड़ी बड़ी buildings गिरते हुए हम देखते होंगे, पता चला उसके नीचे दबने वाले लोग हमने देखे होंगे अपने आंखों से, और वी मे फील रिमोर्स कि हम उनमें से किसी को नहीं बचा पाए, हम अपनी जान बचा के भागे, विच इज कम्प्लीटली लेजिटिमेट ऑल्सो, बट वी हैव लॉस्ट देम इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, नेकेड आईज. ये अपने आप में बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग होता है, और इसके लिए स्पेसिफिक काउंसलिंग की जरूरत होती है आपको, और हो सकता है कि ये परमानेंट ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाए जिससे कि आप शायद कभी इस जिंदगी में बाहर ना निकलो. Huge amount of mental ailments may be resulting out of that. People may be prone to disorders such as post-traumatic stress disorder, PTSD. People may be prone to psychological disorders such as maniac attacks, different types of hysterical attacks. Ye bhi kai sare psychological resultants ho sakte hain. Then economic losses, I've just spoken about them. Disasters can lead to the destruction of property.
infrastructure and human settlements, resulting in significant economic losses. As I've said a short while ago, that Syria, Turkey, and many such other countries who have been recently victims of such disasters have lost their valuable economic assets. Jitni infrastructure, jitni buildings, jitne अच्छे अच्छे ह्यूमन एसेट्स उन्होंने बना के रखे थे वो सब मिट्टिया मोल हो चुका है. इवन हेरिटेज बिल्डिंग्स फॉर दैट मैटर, जो हजारों सालों से उस धरती पे टूरिज्म एक्सेट्रा के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल बनाती थी, उसका भी नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक लॉस हुए हैं. सो ये भी एक डिजास्टर का इम्पैक्ट है. देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, डिजास्टर्स कैन ऑल्टर द नेचुरल एनवायरमेंट and cause habitat loss for many plants and animals. Ecological stress can result in biodiversity loss, as we are all witnessing today. Why it is so that the list of endangered species is consistently on the expansion? It is because of this environmental impact. हम देखते हैं कि जो विलुप्त हो जाने वाली प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट बढ़ते जा रही है. हमारे नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स की वजह से इतना एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है कि हैबिटेट लॉस हो जाता है. जैसे पता चला कोई बड़े बड़े साइक्लोन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इंटरनल फ्लडिंग हो जाता है, तो जो सैलिनेशन ऑफ लैंड हो जाता है इसकी वजह से तो जीव जंतु उस लैंड में पहले जी पाते थे, अभी उनका हैबिटेट लॉस हो गया. या फिर बड़े पैमाने पर वाइल्ड फायर्स लग जाती है तो जिसकी वजह से बड़ी प्रेशियस जंगल संपत्ति जल के खाक हो जाती है, बोथ फ्लोरा एंड फौना. और फिर कई पशु पक्षियों के जो हैबिटेट्स है वो लॉस हो जाते हैं परमानेंटली फॉर दैट मैटर. देन इकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो जाता है, मतलब एक डिसइक्विलिब्रियम सा आ जाता है उस पर्टिकुलर देश की इकोलॉजी में या एनवायरमेंटल इकोलॉजी में, विच इज डेबिलिटेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल एज द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी. Then scarcity of resources. Impact की अगर हम बात करें, because as I said earlier, because of many natural disasters, there is resource contamination. इसलिए available resources कम हो जाते हैं. Natural disasters can disrupt the availability of essential resources, such as food and water, leading to scarcity. जैसे मैंने example दिया agriculture के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है disasters का, जिससे कि आपके देश में फूड क्राइसिस तैयार हो सकती है. और फॉर दैट मैटर पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस कंटेमिनेट हो सकते हैं, और अगर वो हो जाए तो स्केयरसिटी ऑफ वाटर का प्रॉब्लम आपको जाएगा. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्केयरसिटी कुड बी फेल्ट. देन पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, डिजास्टर्स ऑफन रिजल्ट इन पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट विद पीपल हैविंग टू मूव टू न्यू लोकेशंस, which can lead to further social and economic challenges. ऐसा है कि जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर डिजास्टर आता है तो लोगों को नहीं पता रहता कि वहाँ पे नॉर्मल से कब लौटेगी. लोग समझ नहीं पाते कि उनकी जिंदगी नॉर्मली पटरी पे कब वापस आएगी. उन्हें ये भी नहीं पता होता कि भाई उनकी सरकारें उन्हें मदद करने में कितनी कारगर साबित होगी. सो दो ही रास्ते बचते हैं उनके पास, या तो वेट till the time that the government comes to you and keep on fighting with the after effect of the disasters, don't leave your country or place, or leave your country or place and in search of a new heaven for that matter, where things will be far better off than what you currently are facing. Matlab ya to aap apne desh mein hi raho aur sarkar ki madad aap tak pahunchne ki raah dekho, ya khud apne बुद्धे खुद की जितनी मदद कर पाओ कर लो, या तो फिर दूसरे देशों की शरण में चले जाओ, कहीं अच्छी सिचुएशंस में जीने के लिए दूसरे देशों में अपना जिसको कहते हैं कि कुनबा लेके चले जाओ. क्योंकि पहला ऑप्शन इतना आसान नहीं होता. पहले ऑप्शन में आपको, अगर आप अकेले होते तो फिर भी ये कर लेते, बट आपकी फैमिली आपके साथ है, बच्चे बूढ़े औरतें हैं, तो उनको सेफ जगह ले जाना आपका वैसे भी कर्तव्य होता है. अब क्या पता कि ऐसा डिजास्टर फिर वही जिसको आफ्टरशॉक्स कहते हैं इसके बारे में, अर्थक्वेक्स के बाद अगर वो आ जाए वापस से, तो और क्या पता कितना खतरनाक डिजास्टर हो सके.
इसलिए सेफ साइड चला जा रहा है, ये लेजिटिमेट भी है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे अभी सीरिया और इराक से, यहां से हो रहा है, टर्की से हो रहा है, लाखों लोग अपने घरों को, गांवों को, शहरों को छोड़ के पलायन कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर दोज कंट्रीज हु हैपन टू बी द रेसिपिएंट ऑफ दैट डिसलोकेशन। इतने बड़े पैमाने पर लोग अगर अपने पुश्तैनी जगहों से डिसलोकेट हो गए, देश निकाला, ऑलमोस्ट नेचर ने उनको दे दिया, तो जिस किसी भी देश की तरफ जाएंगे, जिस किसी भी कंट्री में अपना बिछाना बिछाएंगे, उस देश में सोशियो इकोनॉमिक टेंशन पैदा हो जाएंगे, वहां के लोग, वहां के रिसोर्सेज, इसके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, और फिर एक वो सन्स ऑफ सॉइल, डॉटर्स ऑफ सॉइल, इनका ठेका हमने ले रखा है क्या, समथिंग लाइक दिस। मानवता का जो यूएन क्राई होता है वो 4 दिन 5 दिन चल जाएगा, बट उसके बाद हम पूरी जिंदगी को क्या इन्हें संभालेंगे, ये एक टेंशन खड़ा हो जाता है, जिससे कि अपने आप में हर देश को आहत होना ही पड़ता है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट ब्रिंग्स अबाउट ह्यूज सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड डिसरप्शन फॉर द कंट्रीज हु हैपन टू बी द रेसिपिएंट्स ऑफ माइग्रेटिंग मासेस। आगे चलते हैं, वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं। डिजास्टर्स इंक्रीज वल्नरेबिलिटी पर्टिकुलरली अमंग द डिसएडवांटेज पॉपुलेशंस and can have long lasting effects on communities and individuals. भाई ऑलरेडी जो गरीब है, बैकवर्ड है, निचले तबके के लोग हैं, जिनकी सिचुएशन ऑलरेडी खराब होती है, इधर दे आर होमलेस, दे लैक सैनिटेशन फैसिलिटीज, दे लैक क्लीन पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, दे लैक फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जिनकी सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी, डिजास्टर ने उनको और भी ग्रिम सिचुएशन में ला के रख दिया, जिसकी वजह से तो जहां से थे वहां से और नीचे आ गए, और अब वहां से ऊपर जाना डबली डिफिकल्ट हो गया। अब वहां से ऊपर सरकार की मदद के बिना या कैटेगोरिकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बिना नहीं जाया जा सकता। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ वल्नरेबिलिटी इंक्रीमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर्स। लेट्स मूव ऑन। वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, ये एक मैप आपके पास दिखाई दे रहा है आपको, जहां पे आप देखते हो कि हिमालयन रेंजेस में हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी आपको दिखेगी डिजास्टर्स की, दिखेगी हिमालयन रेंजेस में, जो एक डार्क रेड जिसको हम कलर से शेडेड है। अब क्योंकि वो एक वल्नरेबल इकोलॉजी है ऑलरेडी, हिमालयाज आर दी यंगेस्ट माउंटेनस रेंज इन दी वर्ल्ड एंड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स होने के चलते उसमें हाई सीस्मिक जोन की एक्टिविटी चलते रहती है, इसीलिए आए दिन हम सुनते हैं दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में भूकंप के झटके लगते रहते हैं, या फिर जो ट्रेमर्स फेल्ट होते हैं, ये हाईएस्ट जिसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है, विच इज स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अप टिल नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये सारा हिली टेरेन है। फिर उसके बाद पेरेनियली ये आता है, सेकेंड पेनल्टीमेट नंबर पे आता है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में आपको ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री ज्यादा दिखेगी, द येलो शेडेड एरियाज अलोंग विद फ्यू येलो शेड्स इन द नॉर्दर्न रिजेस आल्सो। फिर अगर आप देखोगे तो पिंक, डार्क पिंक कलर में मीडियम डिजास्टर कैपेबिलिटी दिखाई देती है वल्नरेबिलिटी की, वो है आपको पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है ना, इसमें या पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी आपको दिखेंगे जो मीडियम रेंज वाले हैं। फिर फेंट जिसको हम पिंक कलर में कहेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये आपको दिखाई देंगे जो कि लो डिजास्टर प्रोन है या वल्नरेबिलिटीज में कम है। एंड देन फाइनली लोवेस्ट है जो सबसे ब्रिटिश शेडेड है, जिसमें डिजास्टर्स का पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी बाय एंड लार्ज नल के बराबर है, और इसीलिए डिजास्टर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में देश का ये इस तरीके से मैपिंग है। क्या दिखाई देता है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वी कैन मेड आउट ऑफ दिस। फर्स्ट इज अराउंड 59% ऑफ इंडियाज लैंडमार्क्स इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, एज वी ऑल कैन सी फ्रॉम द मैप ऑन योर स्क्रीन्स। लगभग 59% या 59%
भारत की जो लैंडमास है वो सीस्मिक जोन में है, वहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं, या तो रेगुलरली आते रहते या फिर बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। वेरी हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट से वेरी हाई इंटेंसिटी में आपको दिखेंगे कि ये लैंडमास अर्थक्वेक्स को प्रोन है, क्योंकि यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी चलते रहती है, जो भूगर्भ की जो नीचे वाली हलचले चलते रहती है वो चलते रहती है। इसकी वजह से कभी भी आप यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस कर सकते हैं। देन ओवर 40 मिलियन हेक्टर्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ इंडिया टोटल लैंड, इज वल्नरेबल टू फ्लड्स एंड रिवर इरोजन। अब हमारे देश में बड़े पैमाने पे पेरिनियल रिवर्स बहती है, हिमालयन इकोलॉजी से निकल के पूरे देश को बेसिन धो के निकालता है। तो अगर आप ये देखो तो लगभग 40 मिलियन हेक्टर्स, मतलब भारत का टोटल एक हेक्टर जो होता है वो 2.5 एकड़ की भूमि होती है। 40 मिलियन का मतलब वो 4 करोड़ हेक्टर की बात हो रही है, और 4 करोड़ हेक्टर लगभग भारत की 12% लैंड है जो फ्लड्स और रिवर इरोजन से अफेक्टेड होती है हर साल। एज वी ऑल नो दैट इन बिहार द फ्लड्स इन कोसी ट्रबल्स द पॉपुलेशन ऑफ बिहार लाइक एनीथिंग, और इसीलिए ये जो फ्लड्स है ये हमारे लिए एग्रीकल्चरली डिस्ट्रॉइंग होते हैं, डेवस्टेटिंग होते हैं। रिवर इरोजन की वजह से कई सारा नुकसान हो जाता है, और अपने आप में भारत की काफी सारी पोटेंशियल को वो खत्म भी कर देता है। देन क्लोज टू 5,700 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इज प्रोन टू साइक्लोन्स एंड सुनामीज। भारत को एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन भी मिला है, लगभग 7,500 किलोमीटर से ज्यादा का बड़ा कोस्ट लाइन हमारा है, उसमें लगभग 6,500 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है वो वल्नरेबल टू साइक्लोन्स एंड सुनामीज है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द कोस्ट लाइन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री विच इज बे ऑफ बंगाल। इसमें सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आपको आते हुए दिखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा सुनामीज का बनना तय होता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन 2005 दैट व्हेन वी हैव विटनेस मैसिव सुनामी इन तमिलनाडु, तो लगभग 1,10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी उस सुनामी की वजह से। इतना डेडली हमारा वो ईस्टर्न कोस्ट लाइन भी हो सकता है। देन 68% ऑफ इंडिया कल्टीवेबल एरिया इज वल्नरेबल टू ड्रॉट्स एंड हिली एरियाज आर एट रिस्क फ्रॉम लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस। भारत का 68% हिस्सा जो कल्टीवेबल एरिया का है वो सूखाड़ या सूखे के चंगुल में फंस जाता है हर साल। 68% इट्स अ ह्यूज अमाउंट। या फिर सुखाड़ पड़ती है, या फिर जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे बारिश आ जाती है, एक्सेस बारिश आ जाती है, तो ड्रॉट्स फैमिन्स दोनों आ जाते हैं। हिली एरियाज लैंडस्लाइड हो जाती है, बड़े पैमाने पे खेती का और ह्यूमन प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। एवलांचेस जिसको बोलते हैं बहुत बड़े पैमाने पे जमीन का खिसक जाना, जोशीमठ में जो हुआ है वो ये आपको दिखाई देता है। देन इंडिया इज ऑल्सो वल्नरेबल टू केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसीज एंड अदर मैनमेड डिजास्टर्स। आजकल की दुनिया में केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चलते रहता है, तो भारत लाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो प्रोन टू वॉट इज कॉल्ड एज केमिकल वेपनरी, बायोलॉजिकल वेपनरी, रेडियोलॉजिकल वेपनरी एंड न्यूक्लियर इमरजेंसीज एंड अदर मैनमेड डिजास्टर्स। न्यूक्लियर इमरजेंसीज भी होती है, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल, जैसे वो न्यूक्लियर पावर से उसका जो फ्यूल होता है रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उसके वजह से रेडियो एक्टिव फ्यूल लीकेज हो जाता है, और अगर वो लीकेज हो जाए तो फिर रेडियोलॉजिकल डिजास्टर स्ट्राइक कर देता है। सो केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड जैसे आपने सुना होगा रशिया में चेर्नोबिल में एक्सीडेंट हुआ, या फिर रिसेंट इज इन जापान इन फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, तो ये आप देखोगे कि ऐसे डिजास्टर्स होते हैं। देन डिजास्टर रिस्क इन इंडिया आर फर्दर कंपाउंडेड बाई इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटीज रिलेटेड टू चेंजिंग डेमोग्राफीज एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट विद इन हाई रिस्क जोन्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन,
climate change, geological hazards, epidemics and pandemics. भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि डिजास्टर्स की ग्रेविटी और बढ़ जाती है जैसे जैसे हमारी वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदलते जाता है, हमारा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बदलते जाते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, मोबाइल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते रहते हैं, इसके वजह से भी एनवायरनमेंट का नुकसान होता है. अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग फिर एक बार डिजास्टर्स में फंस जाते हैं. हाई रिस्क जोन्स में डेवलपमेंट करना, जैसे अभी मैंने कहा जोशीमठ इज हाई रिस्क जोन, वहां पे उस टाइप का कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए था जैसे कि आप लोगों ने किया है. बट आपने एक्सपर्ट्स की सलाह को नहीं माना है, आपने सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का माना है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का नहीं माना आपने, और इसीलिए आपके ऊपर आज ये त्रासदी स्ट्राइक की है. सो हाई रिस्क जोन्स होते हैं. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में आई हैव स्पोकन अबाउट, जियोलॉजिकल हजार्ड्स, एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स, ये भी अपने आप में कम डिजास्टर्स नहीं होते. देन ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू अ सिचुएशन वेयर डिजास्टर्स सीरियसली थ्रेटन इंडियाज इकोनॉमी, इट्स पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन सारे डिजास्टर्स के फैक्टर्स की वजह से भारत की जो इकोनॉमी है उसको खतरा पैदा होता है. भारत के जनसंख्या और भारत का शाश्वत विकास की जो कोशिशें हम लोग कर रहे हैं, SDGs वी हैव ऑलरेडी सीन, उसके सारे कोशिशों के ऊपर पानी फिर जाता है. दैट इज वेयर द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया राइजेस टू डिजास्टर्स. आगे चलते हैं. नो वर्स्ट डिजास्टर्स इन इंडिया, अगर हम कुछ डिजास्टर्स को लिस्ट आउट करने की बात देखें तो पहला भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 3 दिसंबर 1984 में. आज भी उसके चपेट में लोग जो आए थे उनकी उनके दुख ताज़े हैं. आज भी उनमें से कई लोगों की अगली जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो ट्रांसमिट हो चुकी है, तो ये बड़ी परेशानी है. देन ग्रेट बंगाल फैमिन 1943-44 में, ब्रिटिशों के समय बहुत बड़े पैमाने पे बंगाल में अकाल पड़ा था. लोग बिल्कुल, ये जो विदीर्ण करने वाला चित्र आपको दिख रहा है इस साइड, ये अकाल पड़ा हुआ है, एकदम स्केलेटल जैसे दिख रहे बच्चे, कुछ भी खाने के लिए नहीं है उनके पास, वो मरने पे ऑलमोस्ट तुल गए हैं. देन साइक्लोन भोला आया था नवंबर 12, 1970 में, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे साइक्लोन आया था. उत्तराखंड में फ्लड्स 2013 में हुए थे, हमें पता है वो बद्रीनाथ केदारनाथ का जितना भी मंदिर था वहां तक जबरदस्त पानी आ गया था. अगर हम बात करें गुजरात की तो बहुत बड़े पैमाने पे भुज में अर्थक्वेक आया था 2001 में. फिर हम बात करें सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की तो अक्टूबर 29, 30, 1999 में साइक्लोनिक स्टॉर्म आते थे, बे ऑफ बंगाल से आया था. जम्मू एंड कश्मीर में बड़े पैमाने पे फ्लड्स हुए थे सितंबर में 2014 में. साइक्लोन नरगिस आया था May 23, 2008 में. मुंबई टेररिस्ट अटैक, बिकॉज वी हैव सीन दैट टेररिज्म इज अ मैनमेड डिजास्टर. कसाब वाला जो अटैक हुआ था, मुंबई टेररिस्ट अटैक, ही अपने आप में एक 2008 में हुआ डिजास्टर था. इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी 2004-5 में, अभी मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी. तो इन सब, और सिर्फ लोगों की मृत्यु नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक लॉस भी होता. तो ये वर्स्ट डिजास्टर्स इन इंडिया, इसमें आप कई सारे और भी जोड़ सकते हो हाल फिलहाल वाले. अब डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल के बारे में हमें बात करना है, बट आई थिंक टुडे टाइम इज नॉट परमिटिंग.